सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरा जो पीसी है वो क्या है कि एलिजिबल नहीं है विंडोज 11 के लिए। तो उसके लिए मैं एक पीसी हेल्थ नाम का एक ऐप है जो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, वो आपको बताएगा कि आपका पीसी एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले वो ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला ये ऐप है जो आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके रन करना है, और ये आपको सिंपली बता देगा कि आपका सिस्टम विंडोज 11 के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा इंट्रोड्यूसिंग विंडोज 11। यहाँ पे आप चेक नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे दिखा रहा है दिस पीसी कांट रन विंडोज 11। बट ये, और मैं दिखा देता हूँ कि मैं ऑलरेडी विंडोज 11 का ही एडिशन यूज कर रहा हूँ, यानी कि विंडोज 11 ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है। मैं आपको प्रॉपर्टीज चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अबाउट सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ कि मैं ऑलरेडी विंडोज 11 को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो सिस्टम का स्पेसिफिकेशन है, और यहाँ पे विंडोज़ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एडिशन है विंडोज़ 11 प्रो और वर्ज़न है 21H2। तो ये इंस्टॉल हुआ था 7/1/2021 में, OS बिल्ड ये सब दिया हुआ है, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल्ड है। ठीक है, बट वो जो ऐप है वो बता रहा है कि ये सिस्टम उसके लिए क्वालिफाइड नहीं करता, एलिजिबल नहीं है। तो मैंने इसे कैसे इंस्टॉल किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस पीसी में कैसे इंस्टॉल किया, और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कोई करप्ट नहीं होने वाला, विंडोज़ बहुत स्मूथली चलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप उसको करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इसे गूगल क्रोम में जाके, या ऐसे आपको मैं ये लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पर आपको ऐसे रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। और उसके बाद क्या होगा कि आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। साइन इन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा इनसाइडर प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है। ठीक है, और मैं जो दूसरा तरीका था रजिस्ट्रेशन करने का विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम में, वो यहीं पर ऑप्शन आपको दिख जाएगा वन, जब आप अगर विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तभी आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होगा। उसके बाद आपको मैं एक लिंक दूंगा, जिस पे लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ से एक आपको फाइल डाउनलोड करना है। उस फाइल को सिंपली क्या करना है, उसमें सब कुछ सारे कोड्स लिखे हुए हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में सारे कोड लिखे हुए हैं। आपको बस उस फाइल को डाउनलोड करके एक बार विंडोज़ में रन करना है। तो वो फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक विंडोज़ 11 बाईपास नाम का एक फोल्डर है, तो उसके अंदर यहाँ पर एक डॉट रेज एक्सटेंशन वाला एक फाइल है, यही आपको उस लिंक से डाउनलोड करना है। और इसको आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रन पे आपको क्लिक करना होगा, और जितना सेटिंग्स होगा वो बाईपास करने में मदद करेगा। आपका जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होगा वो सिस्टम जब अपडेट लेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा, और आपको सिंपली विंडोज़ 11 के सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सिंपली रन करना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको रन करना है। उसके बाद ये रन करने के बाद, कंप्लीशन होने के बाद, आपको सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है। सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद आपको वापस से सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको विंडोज़ अपडेट पे क्लिक करना है। ये तो विंडोज़ 11 का अपडेट वाला पोर्शन है, बट आपको विंडोज़ 10 का वर्जन होगा, उसमें आपको विंडोज़ अपडेट वाले सेक्शन में जाना है, और वहाँ से चेक फॉर अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका देखेंगे कि यहाँ पर विंडोज़ 10 का अपडेट आपको शो कर रहा होगा।